सरदावा नलीलोनाय तस्य कल्याण गुणार्णवश्च वंदे गुरु श्री चरणरविंद। मंगल आरती हर किसी को एक ना एक बार तो अटेंड करना ही चाहिए। यह एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, ऐसा लगता है भगवान खुद आपके सामने खड़े हैं। तस्य कल्याण गुणार्णवश्च वंदे गुरु श्री चरणरविंद। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र माध्यम मनसो रसेना। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यम मनसो रसेना। रोमांचकंपश्रुतरंगभाजो वंदे गुरु श्री चरणरविंद। रोमांचकंपश्रुतरंगभाजो वंदे गुरु श्री चरणरविंद। आज हम यही यमुना नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं और रास्ते में जो भी टेंपल आएगा उसके दर्शन कर लेंगे। तो ये है वृंदावन की गलियां। सब कुछ कितना सुंदर है यहाँ। एक्चुअली मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे उतना पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा टेंपल है। तो आप लोग कभी आओगे तो किसी ऐसे के साथ आना जिसको इस जगह के बारे में पता हो, क्योंकि वृंदावन में 5000 से ज़्यादा टेंपल है तो अकेले कहाँ कहाँ जाओगे। इस जगह को परिक्रमा मार्ग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब यहाँ का एक चक्कर लगाओगे तो जो 5000 टेंपल है वृंदावन में सबकी परिक्रमा हो जाएगी। ये बच्चे कितने लकी है जो इनको वृंदावन में रहने का मौका मिला है। और ये है इमली तला टेंपल। इमली तला यहाँ की एक फेमस टेंपल है। यहीं पे बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने जपा किया था। रासलीला के टाइम जब राधा रानी गायब हो गई थी तो कृष्णा ने इसी पेड़ के नीचे राधा नाम का जाप किया था, तब जाके उनको राधा रानी प्राप्त हुई। तब से इस जगह का नाम इमली तला है। अभी मैं आपको यमुना जी के दर्शन कराता हूं।
अभी हम जा रहे हैं राधा दामोदर मंदिर, जो यहाँ से पास में ही है। लो आ गए, यही है श्री राधा दामोदर मंदिर। और ये है हमारे राधा दामोदर महाराज। वहां नीचे जो शिला दिख रही है आपको, वो कृष्णा ने खुद सनातन गोस्वामी को दिया था। उसको देखने के लिए आपको टेंपल से परमिशन लेनी होगी। और उसमें कृष्णा के पैरों के निशान भी है। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जब सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, तब भी वो गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे, तो ये कृष्णा से देखा नहीं गया। तो कृष्णा उनके सामने आए और जिस पत्थर पर कृष्णा खड़े हुए थे, उस पर कृष्णा के पैरों के निशान आ गए। और कृष्णा ने उस पत्थर को सनातन गोस्वामी को दिया और कहा कि अब से तुमको गोवर्धन की परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पत्थर की 4 बार परिक्रमा कर दो तो काफ़ी है। और ये वही पत्थर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।